कल राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुरी सम्मान से कई जवानों और शहीदों की पत्नियों को देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में एक चेहरा ऐसा भी था जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह चेहरा था 17 साल के इरफान रमजान शेख का। इरफान रमजान शेख को उसके साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि इरफान रमजान शेख को 2017 में 14 साल की उम्र में बहादुरी के लिए यह पुरस्कार मिला। इरफान रमजान शेख कश्मीर का रहने वाला है। 16-17 अक्टूबर 2017 को 3 आतंकवादियों ने राजनीतिक कार्यकर्ता रमजान शेख के घर को घेर लिया। तब 14 साल के बड़े बेटे इरफान रमजान शेख ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर हाथों में हथियार लिए 3 आतंकवादी खड़े थे। इरफान ने अपने परिवार को खतरे में देखा और अकेले ही आतंकवादियों से भिड़ गया, वह भी बिना किसी हथियार के। इरफान के पिता रमजान शेख बाहर निकले तो आतंकवादी उन पर भी टूट पड़े, मगर इरफान ने हिम्मत नहीं हारी। इस बीच आतंकवादियों की ताबड़तोड़ गोलाबारी में रमजान शेख बुरी तरह घायल हो गए। इरफान उस आतंकवादी पर टूट पड़े जिसने उसके पिता पर गोली चलाई थी। इरफान ने मौके पर ही उस आतंकवादी को मार डाला तथा 2 आतंकवादियों का पीछा करके उन्हें दूर तक दौड़ाया। कश्मीर के इस युवा को उसके असीम शौर्य के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया है। जय जवान, जय हिंद, वंदे मातरम।